सुधांशु जी आप मेरे साथ एक मिनट आइए जरा प्लीज। सुधांशु जी आइए, मैं आपका माइक लेना चाहूंगा यहाँ पर। अब मैं अल्लाह हु तौफीक, आइए प्लीज कम। अब यहाँ पर एक चौपाई है क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है और इसमें आप जरा इस चौपाई को पढ़ के इसका एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुधांशु जी ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है सर, एक मिनट विवेक जी आपके पास मैं आ रहा हूं। गजब है मान्यवर, मर्डर जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं है। जातिवाद इस देश की एक सच्चाई है, आप सुनिए पहले। सिर्फ ये जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत मत कोट करिए। विवेक जी, विवेक जी सब पढ़े हैं, सब पढ़े हैं आप सभी से। और ये चौपाई कास्टिस्ट है, ये चौपाई कास्टिस्ट है, कौन से कांड में है, शूद्र से कांड में। विवेक जी एक मिनट में लूंगा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पहले एक मिनट सुधांशु जी एक मिनट, आप जो बात बचकाना मर्ज मत कीजिए, ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, ये रामचरित मानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो नीचे पढ़िए आप, उसका संस्कृत उसको वो बताइए क्या है। बताता हूं, पहले मैंने ये बताइए ना, करना चाहता था बोल गवार शुद्ध पशु नारू शूद्र, वो वहीं पे कह रहा है डेट मीन के सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि एक कहता है मैं क्षत्रिय हूं, एक कहता है मैं शूद्र हूं, ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में ऋग्वेद में सभा और समिति में सारा समाज एक साथ बैठता था, इगेलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, महिला भी बैठ सकती थी। इसी इन्हीं ग्रंथों ने, इन्हीं ऋचों ने, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं नाम लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो स्मृति साहित्य हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, इन सब में ये सोसाइटल डिफरेंसेस डाले, इसलिए डाले गए। सर्वोच्चता किस स्थापित की गई, क्या वो सर्वोच्चता ऐतिहासिक क्रम से नहीं आ रही? सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, सारे धर्म नहीं सर, सारे के सारे, ये डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकते, हमने पैदा की है। वार्षिक साहब, वार्षिक साहब, हम इनकी आलोचनाएं करेंगे। वार्षिक साहब एक मिनट आप बैठिए, पहले मुझे आपको इसका मीनिंग क्या है आप एक बार सुधार समझे। हाँ एक मिनट, हाँ। कैसे निकाला आता संदर्भ सहित व्याख्या विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आप बताइए ना। प्रोफेसर साहब शुद्र पशु नारी तीनों एक्सपोज हो जाए, सकल ताणना के अधिकारी बताइए ना सर, एक एक मिनट, ताणना का कोई इंग्लिश मीनिंग बता दीजिए, वाष्णे साहब पर्शियन मीनिंग बता, वाष्णे साहब बोलने देंगे तब बताएंगे, वाष्णे साहब बोलने देंगे तब बताएंगे, और उसके बाद प्रोफेसर साहब मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पर, प्लीज एक मिनट लूंगा। हाँ केवल ये विनम्र निवेदन था जिसमें स्पष्ट हो गया कि संदर्भ तो छोड़िए, चैप्टर तक नहीं पता है कि ये कहां पे आया है, अब मैं बता रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं, पहले उस पूरा भाषण दे दिया, पहले समझ ले, मीनिंग पे आइए, उसके मीनिंग पे आइए। सर एक मिनट आप बोलना चाहिए, किस भाषा में लिखा, हिंदी किस बोली में लिखा है, देखिए मैं हम इसकी कहने से पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। नहीं नहीं, आप जो है ना वैदिक साहित्य और वैदिक प्रोफेसर और गैर वैदिक व्याकरण मत जाइए, आप बताइए कि क्या सोसाइटी में, सोसाइटी में डिवीजन कैसे आया, नहीं नहीं पूछ लीजिए किसने डाली, एक मिनट ये बताइए, एक मिनट सर, बात रामायण की हो रही है, अरे रामायण में डाली हुई है, अरे सर आप चिल्ला क्यों रहे पहले, एक मिनट रामायण में डाली हुई है, आप बैठिए, नहीं आई विल नॉट लेट हैपन, प्रोफेसर साहब आपका व्यवहार प्रोफेसर वाला नहीं है, आप बैठिए एक मिनट, देखिए मेरा आपसे निवेदन है, 40 वर्षों तक मैंने इन्वेस्टिंग पढ़ाया, इस तरह की चमार साउंड में नहीं 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 होगी, आप बैठिए एक मौका और, अच्छा सर आप अपने प्रोफेसर साहब पे बात कर रहे हैं, अब बिहेवियर आपका इतना, नहीं आप बैठिए बैठिए, अब सुधांशु जी एक एक मिनट, अच्छा सर एक मिनट, सर 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 प्लीज एक मिनट, हाँ आइए, अच्छा प्रोफेसर साहब प्लीज आइए बताइए, वार्षे साहब मकनलाल जी मैं माफी चाहूंगा आपसे, प्लीज एक बार सुन लीजिए, एक मिनट आइए, मेरा सवाल यह है कि ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब अब है? मैं पहले एक घट, जैसे मैंने बताया हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है, बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं,
ये लोग जानते हैं किस बिंदु, पहले एक घटना बता दूं उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि काला विषय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा गया अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे, उधर से वही सूरज भान, आर एस शर्मा, उन लोगों के, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा, कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशंट हिस्ट्री के हैं, तो उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं है। अब देखिए दो विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था, लिख के दिया साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं है। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर यानी सब्जेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज दो ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले, बता रहा हूं। अरे मैं जवाब, आपने इतनी सारी भाषण दे डाले उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए, पहले आप वे तो पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर इसका तरीका भाई बहस करने का, अगर ऐसे बेहूदे ढंग से बहस करनी है तो वासे साहब आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ बोल रहे हैं। एक अरे मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट में आप सबके पास आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा, आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए, वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी, और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है, यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते मैं बताता हूं, यह सुंदरकांड में है, कहां पे है, जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और तीन दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं हमारे को, गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता, अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है नंग धड़ंग बरंग, किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या, मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सुधांशु जी सर एक मिनट, बड़े सुविधा की राजनीति कर रहे हैं सर, वाली बात पे आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो समुद्र वाशे साहब आप सुन लीजिए, इंजीनियर हो वाशे साहब, नहीं दिस इज नॉट अलाउड, नहीं 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 आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस वाशे साहब, आप उसका इंटरप्रिटेशन पहले होने दीजिए फिर बोलिए, आप बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे, नो नो दिस इज नॉट अलाउड, आप रुक जाइए, और क्या कर रहे हैं वो, अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन, ना चैप्टर पता ना लैंग्वेज पता ना रेफरेंस पता ना प्लीज गॉड लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं रेफरेंस की बात करो, मैं इसके बाद और ये प्रोफेसर का आचरण है, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं, विनम्रता से कहता हूं आपको, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर एक मिनट पूछा बोलिए, अरे सुनिए मैंने गाना बोल, ओके आइए आप बताइए, आप बताइए एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, लोगों को मौका मिलता है पहले सर, एक मिनट नहीं, क्या मतलब नॉट एट ऑल, आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, नहीं 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 आप रुक जाइए, नहीं नहीं आई डोंट एक्सेप्ट सर, आप कर क्या रहे हैं, अरे सर आई डोंट एक्सेप्ट दैट, अपना आचरण टीवी पे जाकर, आई डोंट एक्सेप्ट दैट, आइए सुधांशु जी इसको बता दीजिए, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, बता भाई नंग धड़क मरण, किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, आप एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए वाशिष साहब, एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद में प्रोफेसर साहब आप जेएनयू से जो मैं आपके पास आऊंगा, सेकंड थिंग जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु आर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में, सॉरी सुनिए चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास, ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है,
यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद भाषण देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है, आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हुवर शूद्राज में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में बुरा कोई खराब वर्ड नहीं था, जैसे आज इम्प्लॉय। एक सेंटेंस और बोलता हूं, इसका रेफरेंस पॉइंट पूरा समझा दीजिए, सभी बोल रहा हूं, सुनिए। गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था आज? एक मिनट रुक जाइए। किसने इसका जो इंटरप्रिटेशन है, एक मिनट वाशिष्ठ साहब, एक मिनट सर, एक मिनट विवेक जी, मैं आ रहा हूं। ये पूरा इंटरप्रिटेशन एक बार हो जाए, मैं वो समझ जाऊं, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। लेकिन नो, बट इट शुड बी अलाउड एटलीस्ट। अगर आप अलाउ ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एंड आई, मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कि मैं वाशिष्ठ साहब के पास आया था। इंटरजेक्शन बंद कर दिया, सुन लीजिए। आइए सर, प्लीज गो। मैं बताता हूं, आज मैं इसका पूछना चाहता हूं, अब इस शब्द का प्रयोग बंद हो गया, मगर हरिजन शब्द का क्या अर्थ था? महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था, ठीक है? ठीक, उन्होंने हरिजन शब्द का शेड्यूल कास्ट के लिए प्रयोग किया था, हरिजन कल्याण। बार बार क्यों बोल रहे हैं सर आप, क्या तरीका? अरे मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, फिर खड़े हो गए। सर आप बैठिए, आप अरविंद जी आप इधर आइए, मेरे पास माइक है, आप आइए, आप मेरे साथ आइए, आइए परिभाषा दीजिए, आइए। ऐसा नहीं होगा, वो उनको इंटरप्रेट करने दीजिए, फिर आप आइए मेरे साथ, आइए। अच्छा ठीक है, हाँ सुधांशु जी, मैं बता रहा हूँ, बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक। अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूँ, जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया, इसका मतलब हाथ के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे? मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में, देखो अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।